सर्कुलर मोशन का एक और एग्जाम्पल करेंगे। इस एग्जाम्पल में देखेंगे दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल दिए गए हैं, दोनों पर डिफरेंट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। एक है पार्टिकल ए जो कि देख सकते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, और पार्टिकल बी जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है ना। टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग ऑन कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ विथ इक्वल एंगुलर स्पीड ओमेगा। दोनों का एंगुलर स्पीड जो है वो इक्वल है, कहा है एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो देयर पोजिशंस एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन आर शोन, है ना। टी इज इक्वल टू जीरो पर ये यहाँ पर है और ऊपर जा रहा है, ये जो है इस पॉइंट पर है और नीचे जा रहा है। द रिलेटिव वेलोसिटी वी ए माइनस वी वी एट टी इज इक्वल टू पाई बाई टू ओमेगा इज गिवन बाई, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये जो टाइम दिया गया है ये टाइम कितना है, एक्चुअली में हमें पता है कि ये जो टाइम है ये है पाई बाई टू ओमेगा। जो ओमेगा है इसको टू पाई बाई टाइम पीरियड लिखा जा सकता है। तो अब देखेंगे ये हो गया टी बाई फोर, मतलब जो टाइम पीरियड है घूमने का उसका वन बाई फोर टाइम्स जो है टाइम ये ले रहे हैं आगे बढ़ने में, है ना। दोनों का चूंकि ओमेगा इक्वल है तो टाइम पीरियड भी इक्वल होगा, यानी बराबर टाइम में सर्कुलर जो पाथ है उसको कंप्लीट करते हैं। तो टी बाई फोर टाइम में केवल ये 90 डिग्री का चलेंगे, केवल 90 डिग्री का एंगल ये ट्रैवल करेंगे। टी टाइम में 360 डिग्री एंगल घूमते हैं तो टी बाई फोर टाइम में 360 डिग्री बाई फोर यानी कि 90 डिग्री का एंगल ये ट्रैवल करेंगे। तो देखेंगे ये वाला जो है ए वो ऐसे ट्रैवल करके 90 डिग्री ट्रैवल करके इस पॉइंट पर पहुंचा होगा और इधर जा रहा होगा वी ए वेलोसिटी से। जो बी है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये भी 90 डिग्री घूम करके यहाँ पर आ गया होगा और ये इधर जा रहा होगा वी वी से। तो हमें निकालना है वी ए माइनस वी वी। अब ये है जो वी ए है इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इंटू रेडियस, चूँकि कॉन्स्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो ओमेगा इंटू आर वी होता है। इसका रेडियस जो है वो आर वन है तो ओमेगा इंटू आर वन लेफ्ट साइड में, और इसका जो वेलोसिटी है इसको लिखा जा सकता है ओमेगा इंटू आर टू, ठीक। दोनों देखेंगे निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं उस इंस्टेंट पर जो इंस्टेंट हमें दिया गया है। ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है तो ये निगेटिव में जा रहे हैं, तो ये भी निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ये भी निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो एक्चुअली में जो वी ए है पार्टिकल ए की वेलोसिटी ये है ओमेगा आर वन माइनस आई के, और वी बी जो है ये है ओमेगा आर टू माइनस आई कैप। अगर हमें निकालना है वी ए माइनस वी बी तो ये आएगा ओमेगा ओमेगा आर वन माइनस आई कैप माइनस ओमेगा आर टू माइनस आई कैप। तो ये हो गया ओमेगा आर टू माइनस आर वन आई कैप। तो ये जो है रिलेटिव वेलोसिटी आया जो कि देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया है, यानी कि इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है एक दूसरे के रिलेटिव में वो जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आया, क्योंकि आर टू जो है एक्चुअली में बड़ा है ना। तो इसके रिलेटिव में ये जो है वो पीछे जा रहा होगा, ऐसा कह सकते हैं। ए का बी के रिलेटिव में यहाँ पर पूछा गया है तो बी के रिलेटिव में ए पीछे जा रहा होगा, यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा होगा जैसा कि यहाँ पर बताया गया है।